तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक कैनिबल फिल्म द बूनीज के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे कुछ दोस्त जंगलों में आते हैं वेकेशन मनाने के लिए और जंगल में कुछ कैनिबल लोग रहते हैं जो कि उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उनसे बच पाते हैं या नहीं ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग में हमें तीन लोग दिखाए जाते हैं जो कि जंगलों में वेकेशन मनाने जा रहे थे। इनके नाम होते हैं एरन, मार्कस और क्लॉइड। एरन और क्लॉइड सगे भाई होते हैं और मार्कस उनका दोस्त था। एरन की हाल ही में शादी होने वाली थी और वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करने आया था। रास्ते में वो तीनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पे वो खाना ऑर्डर करते हैं। मार्कस को वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम हेली था, तो वो उसके पास जाके उसे अप्रोच करने लगता है। हेली उससे कहती है कि उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहाँ से चला जाए। लेकिन तभी हेली का पति वहाँ पे आता है और मार्कस को देख के वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो मार्कस को मारने जाता है तो मार्कस उसे ही मुक्का मार देता है और हेली मार्कस को मुक्का मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख के उस रेस्टोरेंट का मालिक उन तीनों को वहाँ से भगा देता है। इधर जंगलों में हमें कपल को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में मेकआउट कर रहे थे, तभी उन्हें गाड़ी के बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे किसी इंसान का कटा हुआ दिल है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये किसने फेंका होगा। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए और जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उस लड़के के पीछे एक बंदा आता है जो कि उसे मार डालता है और उसके बाद वो उस लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर ये तीनों भूखे प्यासे दोबारा गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में उन्हें वही कातिल लड़के दिखाई देते हैं जो कि अपनी गाड़ी में उस कपल की बॉडीज को छुपा रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क पहने होते हैं और उन्हें देख के लोग काफी डर जाते हैं। क्लॉइड अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन होंगे, तो मार्कस उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद ये लोकल्स हैं और उन्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तभी वो अपने फोन की तरफ देखते हैं जिसमें उनके नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। इधर हेली अपने पति के साथ अपने घर में पहुंचती है जहां उसका पति उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो जानबूझ के उस लड़के से बात कर रही थी। हेली उससे कहती है कि वो उस लड़के को इग्नोर मार रही थी। उसका पति उससे गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर ये तीनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और आगे का सफर वो पैदल ही तय करने का सोचते हैं। एरन देखता है कि उसका भाई वहां पे चप्पल पहन के आया है तो वो उसे अपने स्पेयर जूते देता है और उससे कहता है कि वो उसे पहन ले। फिर हमें उस कैनिबल फैमिली का घर दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में रहा करता था। वहां पे एक लड़का होता है जिसने अपने घर में ढेर सारी डॉल्स रखी हुई थी और वो पूरा का पूरा साइको था जो कि मास्क पहना करता था। इधर उन तीनों के दो दोस्त पहले ही जंगल में पहुंच गए थे और वहां पे उन्होंने अपने लिए टेंट भी लगा लिया था। इनके नाम होते हैं जॉर्डन और केसी और ये दोनों कपल थे। तभी वहां पे वो तीनों आते हैं जिन्हें देख के वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो दोनों उनसे कहते हैं कि वो लोग भी अपने टेंट लगा लें। एरन मार्कस से कहता है कि ये उसकी लास्ट बैचलर ट्रिप है तो वो इसे ज्यादा मेमोरेबल बनाए जिससे कि उन सबको ये याद रहे। एरन अपने बैग से एक वाइन निकालता है जो कि बहुत ही पुरानी थी और उन्हें बताता है कि रात को वो एक साथ इस वाइन को पियेंगे। उसके बाद मार्कस वहां पे टेंट लगाने लगता है और एरन किसी को बताता है कि उन्हें यहां पे पहुंचने में काफी लेट हो गया है क्योंकि मार्कस की एक रेस्टोरेंट में लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो एक लड़की ने पास किया था उसे अप्रोच करने के लिए। इधर क्लॉइड जॉर्डन के साथ होता है जहां वो उससे पूछता है कि उसकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है। जॉर्डन उससे कहती है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और केसी बहुत ही अच्छा लड़का है जो उसका हमेशा ख्याल रखता है। इधर हेली अपने पिता के घर में होती है जो कि वहीं पे रहा करता था। वो उन्हें बताती है कि उसके पति से उसकी लड़ाई हो गई है और वो दोनों आज हंटिंग करने के लिए जंगलों में जाने वाले हैं। उसका पिता उससे कहता है कि वो वहां पे जाके लड़ाइयां ना करें। इधर वो किडनैप लड़की को कैनिबल्स ने बांध रखा था और एक मास्क पहना कातिल उसके पास आता है और एक हथौड़े से उसका मुंह तोड़ देता है जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। रात को वो पांचों दोस्त बैठते हैं और अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। वो एरन की लाई हुई दारू पीते हैं जो कि काफी बढ़िया थी और उसे पी के वो लोग काफी ज्यादा नशे में हो जाते हैं। क्लॉइड सबको बताता है कि उन सबकी लाइफ में कोई ना कोई लड़की है। केसी की शादी हो गई है और एरन की शादी होने वाली है और मार्कस इतना हैंडसम है जिसे लड़कियां मिल ही जाती हैं। उसे अभी तक कोई भी लड़की नहीं मिली है जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में रहता है। वो सभी उस पे हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, उसे भी लड़की मिल जाएगी। उसके बाद वो सभी अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह उनके टेंट के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने अजीब तरह से कपड़े पहने हुए थे। जब मार्कस और क्लॉइड उसे देखते हैं तो काफी डर जाते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और उसे क्या चाहिए, लेकिन वो आदमी उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इधर हेली अपने पति के साथ हंटिंग करने के लिए उसी जंगल में पहुंच गई थी और उसका पति उससे कहता है कि वो कार के पास इंतजार करे और वो जंगल में जा रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए कि डियर कहां पे मिलेंगे। जब वो अकेले जंगलों में जाता है तो उसे कोई आवाज लगाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। जब वो आगे बढ़ता है तो एक कैनिबल उसे तीर से मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो उसके पास आके उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर मार्कस और क्लॉइड अपने ग्रुप को बताते हैं कि कुछ देर पहले यहां पे एक पागल आदमी आया था जो कि काफी अजीब तरह से दिख रहा था, मानो कि वो उन्हें मार डालेगा। केसी उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहां का कोई लोकल होगा। इधर हेली के पति को गए हुए एक घंटा हो गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया था।
था। एली ये देख के अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। इधर वो पागल बूढ़ा आदमी शहर में आता है कुछ लेने के लिए। वो इंस्पेक्टर से मिलता है तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है, उन्हें यहाँ पे वायलेंस नहीं चाहिए और वो शहर के लोगों को परेशान करना बंद करे। वो उससे कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो यहाँ से ले जाए और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। इधर हेली जब जंगल में अपने पति को ढूंढ रही होती है तो उसे वहां पे खून नजर आता है और तभी वो अपने पति की हैट देखती है जो कि खून से लथपथ थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो कैनिबल लड़के उसे पकड़ के किडनैप कर लेते हैं। इधर ये पांचों फैसला करते हैं कि वो हिल पे ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे और जब वो आगे जाते हैं तो उनके पैर में काफी दर्द होने लगता है। क्लॉड और मार्कस वहां पे बैठ के आराम करने लगते हैं और केसी उनसे कहता है कि वो पहाड़ की ओर जा रहा है स्मोक करने के लिए। एरन उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा तो केसी उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। जब वो ऊपर जाके स्मोक कर रहा होता है तो कैनिबल बंदा उसके पीछे आ जाता है। जब केसी पीछे मुड़ता है तो वो उसके सर में चाकू घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसके सर से निकला हुआ मांस खाने लगता है। तभी वो दूसरा कैनिबल भी वहां पे आता है और वो मांस के लिए लड़ाई करते हैं। जब ये लोग उनकी आवाज सुनते हैं तो उन्हें केसी की चिंता होने लगती है और एरन सबसे कहता है कि वहां पे जा रहा है केसी को देखने के लिए। जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि वो दोनों उसका मांस खा रहे हैं और ये देख के वो काफी डर जाता है और पीछे होने लगता है, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक लकड़ी आ जाती है जिसकी आवाज से वो कैनिबल सतर्क हो जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। एरन भागता हुआ अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें यहां से भागना होगा। जब वो चारों भाग रहे होते हैं तो वो कैनिबल जॉर्डन के सीने में एक तीर मार देता है जिससे जॉर्डन की वहीं पे मौत हो जाती है और वो तीनों वहां से टेंट की ओर जाते हैं। वो तीनों अपना सामान पैक करने लगते हैं ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन तभी वो दोनों कैनिबल्स वहां पे आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। मार्कस एक कैनिबल को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है और एरन और क्लॉइड से कहता है कि वो दोनों यहां से भाग निकले। उसकी बात सुनके वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और मार्कस को वो दोनों कैनिबल्स मिलके जान से मार डालते हैं। इधर हेली की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि वो किसी कैबिन के बेसमेंट में बंद है। हेली के पिता को उसकी चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो शेरिफ के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी और दामाद गायब हो गए हैं। वो कुछ घंटे पहले उस वुड्स में गए थे और उसके बाद वापस नहीं आए थे। शेरिफ उसका अच्छा दोस्त होता है और वो दोनों फैसला करते हैं वुड्स में जाके वहां पे छानबीन करने का। इधर वो कैनिबल बेसमेंट में मार्कस की लाश को लाता है और उसे हेली के सामने ही बुचर करता है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। इधर एरन और क्लॉइड को भागते हुए रात हो जाती है, लेकिन वो दोनों अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे। एरन क्लॉइड को समझाता है कि वो काफी स्ट्रांग है और वो हिम्मत से काम ले, लेकिन तभी वहां पे वो कैनिबल आ जाता है जो कि उसके सर पे वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो लोग क्लॉइड को भी किडनैप कर लेते हैं। इधर शेरिफ और हेली के पिता जंगलों में पहुंचते हैं ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके और वहां पे उन्हें एरन की कार मिलती है जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर इस कार का मालिक कहां पे गया होगा और जब शेरिफ उसका नंबर प्लेट देखता है तो उसकी नंबर प्लेट वहां से गायब होती है जिससे वो समझ जाता है कि यहां पे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर हमें उन कैनिबल्स का कैबिन दिखाया जाता है जहां पे हेली के साथ क्लॉइड भी मौजूद था। क्लॉइड हेली से पूछता है कि आखिर वो लोग कहां पर हैं, तो हेली उससे कहती है कि वो लोग एक स्लॉटर हाउस में हैं और बहुत जल्द उन लोगों को भी वो लोग जान से मार के खा जाएंगे। क्लॉइड उससे कहता है कि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, तो हेली उससे कहती है कि उसने तीन लोगों को उसके सामने ही मरते हुए देखा है और वो लोग उसे बुचर करते हैं और कच्चा ही उनका मांस खाते हैं। तभी वहां पे वो कैनिबल्स आते हैं जो कि क्लॉइड को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने डाइनिंग टेबल पे बैठाते हैं जहां पे वो अपने मांस हटाते हैं। क्लॉइड देखता है कि वो दोनों ही पूरी तरह डिफॉर्म्ड हैं और उसके सामने उनकी माँ बैठी होती है जिसकी आवाज पूरी मर्दों की तरह थी। वो उसे कहती है कि वो उन दोनों की माँ है और वो अपने दोनों बेटों को ही प्यार करती है। उसका पहला बेटा है जेफरसन जो कि काबिल नहीं है और वो किसी लड़की के साथ कभी इंटीमेट नहीं हो सकता, लेकिन उसका दूसरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है जो कि परिवार को आगे बढ़ाएगा। वो उसे ये भी बताती है कि नीचे जो लड़की है वो उसे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके बेटे को वो काफी पसंद आया है तो वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनके क्लॉइड काफी डर जाता है और उनकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द उनके फैमिली का मेंबर बनने वाला है। तभी वो वहां पर अपना डिनर लेकर आते हैं और जब वो बर्तन हटाते हैं तो उसके ऊपर एरन का कटा हुआ सर था। अपने भाई का कटा हुआ सर देख के वो काफी डर जाता है और वो लोग उसके सामने ही उसका मांस काट के खाने लगते हैं। उसे फैमिली का मेंबर बनाने के लिए वो लोग उसे भी वो मांस खिलाते हैं और ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उसे वो मांस खाना पड़ता है। वो औरत उससे कहती है कि अब उसने मांस खा लिया है तो वो उनकी फैमिली का मेंबर बन गया है और अब बारी है दूसरे रिचुअल की जहां उसके बेटे से उसकी वेडिंग कराई जाएगी। वो अपने बेटे को भेजती है वेडिंग ड्रेस पहन के आने के लिए और उसका दूसरा बेटा क्लॉइड के पैर के पीछे कट लगा देता है ताकि वो वहां से भाग ना पाए। उसका बेटा वहां पे शादी की ड्रेस पहन के आता है और
उन दोनों की वहाँ पे शादी कराई जाती है। उसके बाद उनकी माँ उन्हें एक रूम में भेज देती है ताकि वो वहाँ पे जाके कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। इधर उसका दूसरा बेटा जब नीचे जाता है तो देखता है कि हेली अपनी जगह पे नहीं है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और तभी हेली एक रस्सी से उसका गला दबाने लगती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन हेली उसे नहीं छोड़ती, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर लड़का क्लॉइड को बेड पे लिटाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होगा। क्लॉइड उसे मना करता है ऐसा करने के लिए लेकिन वो उससे कहता है कि ये सेरेमनी का एक पार्ट है। तभी हेली वहां पे चाकू लेके आ जाती है और वो बंदा उसे देख के उससे लड़ने लगता है। वो हेली को मारने वाला होता है लेकिन तभी क्लॉइड चाकू उठा के उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो बंदा जख्मी हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। हेली उसके बाद क्लॉइड को छुड़ाती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। इधर हेली का पिता शरीफ से पूछता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पे गई होगी। शरीफ उसे बताता है कि यहाँ पे पास ही में एक कैबिन है जहाँ पे एक फैमिली रहती है, लेकिन उन लोगों ने किसी को भी आज तक हार्म नहीं किया है। हेली का पिता उससे कहता है कि क्या पता उन लोगों ने उसे बंदी बना रखा हो। तो वो दोनों उनके कैबिन में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हेली एक औजार उठाती है और उस बंदे को मारने के लिए जाती है। जो बंदा उसके सामने आता है तो वो उसका गला काट के उसे मार डालती है। क्लॉइड इधर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी टांग कटी हुई थी, जिसकी वजह से वो वहां से भाग नहीं पा रहा था। तभी वो कैनिबल माँ उसके सामने आती है और उस पे हमला कर देती है। वो उसे बुरी तरह मारने लगती है तो हेली वहां पे आके उससे लड़ने लगती है। हेली उस औरत का गला काट खाती है, जिससे उस औरत की भी वहां पे मौत हो जाती है। उसके बाद हेली क्लॉइड को लेके रोड पे पहुंचती है, जहां उसका पिता और शरीफ उसे दिखते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं। इधर वो पागल बूढ़ा आदमी अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे मर चुके हैं, यानी दोस्तों वो कैनिबल फैमिली का हेड मेंबर था। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप कभी कैनिबल के जंगल में फंस गए हो तो आप इनसे कैसे डील करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।